नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली के सीलमपुर में खत्म हुआ बवाल। उपद्रवियों ने की थी तोड़फोड़ और आगजनी। इलाके के सभी मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही शुरू। उधर जामिया हिंसा में पुलिस ने की ताबड़तोड़ छापेमारी। पुलिस को विदेशी हाथ होने का शक। जामिया बवाल के दौरान पुलिस के साथ देखे शख्स की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल। वायरल तस्वीर में शख्स को बताया गया एबीवीपी का कार्यकर्ता। असल में शख्स साउथ ईस्ट दिल्ली पुलिस के एंटी ऑटो थेफ्ट स्क्वाड में है तैनात। उधम सिंह नगर में सीआरपीएफ के सूबेदार मेजर पद से रिटायर हुए दानी राम ने 80 साल में पास की 10वीं की परीक्षा। 60% से ज्यादा नंबर लाकर पास की 10वीं की परीक्षा। 10वीं पास नहीं होने के कारण प्रमोशन से रह गए थे वंचित। अपनी ही फिल्मों को देखकर कभी कभी शर्मिंदा हो जाते हैं अभिनेता सलमान खान। सलमान ने कहा कि मैं अपनी हर पिछली फिल्म को देखकर कहता हूं कि क्या बकवास थी। सलमान ने कहा कि दूसरे लोग आपकी तारीफ करते हैं और कुछ समय बाद आपको तारीफों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। चेन्नई में भारत के खिलाफ पहले वनडे में धीमी गति से ओवर फेंकने को लेकर वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों पर मैच फीस का 80% लगा जुर्माना। मैच रेफरी डेविड बून ने निर्धारित समय के दौरान 4 ओवर कम करने के कारण कप्तान कारन पोलार्ड की टीम पर लगाया जुर्माना।